क्या हुआ बेटी, क्या हुआ? इवनिंग स्कूल से आने के बाद पापा घर पर रहेंगे या नहीं? इवनिंग को आप सबको घर में आने के टाइम पे पापा ही दरवाजा खोलेंगे, यही ना? इसका नाम अनु है। इस दुनिया में जो बहुत से लोगों को नसीब नहीं होता, वो इसे मिला है। वो क्या है? ऐसा पूछ रहे हैं ना? क्योंकि एक ही डिलीवरी में चार बच्चियों को जन्म दिया है इसने, और वो सभी एक जैसी हैं। लेकिन ऐसे लोगों की कुछ समस्याएं हैं। हेलो। हेलो मैडम, एक हैप्पी न्यूज है। आज आपके फैसले का आखिरी दिन है मैडम। डेफिनेटली डिवोर्स तो मिल जाएगा मैडम। आप दोपहर तक 3 बजे के आसपास कोर्ट आ जाइएगा। थैंक यू। पापा, सॉरी पापा। इसका नाम है मीनाक्षी। ये क्या भाई, सिर्फ सॉरी बोलकर अपना बैग लेकर कहाँ निकल रही है? ऐसा ही सोच रहे हैं ना आप? सही है, जैसे आप लोग सोच रहे हैं वैसा ही अपना बैग लेकर बॉयफ्रेंड के साथ भागने की तैयारी कर रही है। दादी, मेरी आज 3 बजे शादी है। जानती हूँ आपके लिए शॉकिंग न्यूज़ है, बाकी की डिटेल्स मैंने पापा के लेटर में लिख दी है। आप अपना काम जारी रखिए। चलो देखते हैं अपने फ्रेंड के पास है क्या। चलो एक बार फोन कर लेता हूँ। ओहो, तुम क्यों नहीं नहीं करके दिमाग चाट रही हो? मैंने कहा ना, मैं मेडिकल शॉप में जाकर ले रहा हूँ। उससे पहले तुम मेरा दिमाग खा रही हो। नींद नहीं आ रही, नींद नहीं आ रही। अरे भाई, नाइट्रो कैप्सूल 10 mg, उसका एक स्ट्रिप देना। नाइट्रो 10 mg का एक स्ट्रिप चाहिए? हाँ। पूरा बॉक्स ही क्यों नहीं ले लेते हो? वो भाई, वो नींद की गोली है, प्रिस्क्रिप्शन के बिना नहीं दे सकते। जाकर प्रिस्क्रिप्शन लेके आओ। अरे मालूम है यार, लेकिन वो बूढ़ी है ना, बार बार नींद नहीं आ रही है, नींद नहीं आ रही है बोल रही है। कुछ कोशिश करो ना। सिर्फ 2 गोली दे सकता हूँ, चलेगा? हाँ ठीक है ठीक है, रुको लेके आ रहा हूँ। इसका नाम कादिर है, कॉमेडी भी सीरियसली ही करता है, और आज ये सीरियस कॉमेडी करने वाला है। आज ये खुदकुशी करने जा रहा है। हीरो भी शूटिंग के वक्त कट सुनता है तो पंच डायलॉग बोलना रोक देता है, लेकिन ये अपनी चारों तरफ कैमरा घूम रहा है ऐसा ही फील करता है। ये लो। थैंक्स। उसको मैंने पैसे ज्यादा तो नहीं दे दिए ना? चल बेटा कादिर भाई, ये तेरे लिए बहुत ही खतरनाक है। हाँ हाँ, मैं ऑफिस में ही रहूंगा और फोन भी चालू रहेगा, मैं बाद में कॉल करता हूँ। ओके। सर सर सर, आज कृतिका का बर्थडे। अच्छा, हाय कृतिका, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सर। एक मिनट सर। क्या है सचिन, आपका भी बर्थडे है? नहीं, मेरा नहीं है सर। आपके लॉयर आपको फोन लगा रहे थे, आपका फोन एंगेज आ रहा था तो उन्होंने मुझे फोन किया। ऐसा लग रहा है कि ये लास्ट हियरिंग है, डिवोर्स होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अगर मेहनत की है वो मेरे बच्चों के ऊपर नहीं आनी चाहिए। मेरी लाइफ का सबसे बड़ा गिफ्ट है ये डिवोर्स। सर, आप अपने घर वालों से हफ्ते में 2 दिन बच्चों को देखने के लिए विजिटेशन परमिशन मांग सकते हैं क्या? हाँ, मांग सकते हैं। जन्म देने वाला बाप ही अपने बच्चों को देखने के लिए अपनी बीवी से परमिशन मांगता है, वो भी एक इंसान के सामने। सर, उन बच्चों के हिसाब से तो अपनी कंपनी जैसे चलती है, फैमिली भी बिल्कुल वैसी ही चलती है, और उसमें जो भी नुकसान होगा वो बच्चों का होगा। वो भैया, ये क्या बहुत ही बदबू आ रही है? पता नहीं किस टाइम पर मेरा नाम चीता रखा था, चूहे से भी बेकार जिंदगी गुजार रहा हूँ। ठीक है, अपना चेहरा तो दिखाओ, ठीक से दिख नहीं रहा है। वो क्या है कि ऐसा है कि रात को लाइट ड्यूटी खत्म करके घर में जाते समय लड़की और चार साइड में ले जाके ठोका क्या?
एक लड़की के साथ चार लड़के गलत करने की सोच रहे थे। मैं भी अपने गुस्से को कंट्रोल कर लूंगा ऐसा सोचा। अचानक अरे अरे भाई कौन तुम? अचानक एक आवाज आई। हाँ तो क्या वो आवाज MGR की थी क्या? अरे वो लड़की का भाई। भाई की आवाज मैंने सुनी तो क्या मैं खामोश रहता? हम कितने दिनों से एक दूसरे को जानते। ऐसा कहकर भाई की स्टाइल में अंदर घुसकर ये देखो एल साइज बाटा का निशान चेहरे पर दिख रहा है। तू भी यार कैसा ना पूछने वाला सवाल कर रहा है। वाह भाई। अच्छा वो छोड़ो, आज स्कूल के बच्चे आने वाले हैं, सारे पिंजरे बराबर बंद करके रखे हैं ना। अरे तेरी उम्र और मेरी सर्विस, चाहे कुछ भी हो वॉचमैन वॉचमैन होता है और गार्ड गार्ड ही होता है। चलो निकलो जाकर सारे गेट बराबर बंद करो। ओए वो तुम्हें बुला रही है, जाओ। सुनाई नहीं दे रहा क्या तुम्हें? कब से आवाज दे रही हूँ वॉचमैन। तुम ही यहाँ के वॉचमैन हो ना, तो इन्हें क्यों हाथ दिखा रहे थे? बाथरूम कहाँ है? सुनो। थैंक यू वॉचमैन। वो वॉचमैन बोली और तू कुछ बोल नहीं पाया? अरे उस बेचारी को पता नहीं होगा। तुझे अगर वॉचमैन बोली तो मुझे क्या बोली? अरे तू तो वॉचमैन के भी लायक नहीं है। हे भगवान, सांप है। क्या हुआ? अंदर सांप है। सांप है? अरे बाथरूम में या तो पाइप रहेगा या पंप रहेगा, सांप कैसे हो सकता है? किसी चीज को देखकर डर गई होगी। ठीक है आप रुको, मैं जाके देख के आता हूँ। अंदर जो है वो सांप ही है। आई शेर की गुफा में जाकर देखने वाला मैं। जा, सांप तेरा वेट कर रहा है। कादिर तो हमेशा कॉमेडी करता ही रहता। टंटन। चले गए क्या? मेरे अंदर जाते ही बोलो चले गए। मैंने भी बेकार में पंच डायलॉग बोल दिया। लोगों में इंसानियत ही नहीं है। पैसों से ही पैसा आता है, अब वो ही गिनने का टाइम है। क्या वो चाबी क्यों नहीं दिख रही है? अरे स्कूल के बच्चों के टूर का टाइम हो गया है अब, और पता नहीं कौन से पिंजरे की चाबी रह गई। अरे वो ही है। अरे बोला था तो समझते क्यों नहीं है? मैं इधर ही तो हूँ। जो बोला वो याद है क्या? आज कौन सा दिन है पता है? बहन के बच्चे का जन्मदिन है, वो मोर का बच्चा चाहिए। कितनी बार बोला हूँ? अरे मैंने बोला ना शाम तक बच्चे के हाथ में मोर होगा, बस बात खत्म। 3 बजे मुझे वो बच्चा चाहिए। हाथ लंबा करके पैसा लिए हो ना। बेकार में बच्चा दो बोल के टॉर्चर मत करो मुझे, वरना मैं ही 2 पंख लगा के वहाँ आ जाऊंगा, समझे? अब रखो फोन। अरे चाबी क्यों नहीं दिख रही है? इसके लिए तो परेशान हूँ, और उसे मोर के बच्चे की पड़ी है। अरे चाबी कहाँ गई? अरे मुझे थैंक्स बोलने के लिए बुला रहा है क्या? हाँ बोल भाई। क्या वो कादिर है, अभी तक मरा नहीं क्या? क्यों बे, ऐसे पूछ रहा है जैसे गांव नहीं गया। वो नहीं, दुकान दुकान जाकर बहुत तकलीफ से गोली लिया, ये सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ यार। अच्छा ठीक है, ये बता कल का क्वार्टर में जो बचा था वो कहाँ रखा है? अबे कमीने, लेकिन एक बात है, आज शाम को 3 बजे मेरी लवर के गले में मंगलसूत्र बांधने के वक्त कट कर दिया क्या? कटिंग बनाने वाले को फ्रेंड बनाऊंगा तो ऐसा ही होगा। क्या बेटी, बाथरूम जाना है? अरे ये भी, अरे मुंह खोलकर बोल नहीं सकती। सॉरी हाँ। बिस्किट, फोटो क्या, कैसा फोटो? ये क्या दबाऊं? ये क्या, एक जैसे 2 लोग? आजा जा। दोनों एक जैसे कैसे हो सकते हैं? कमाल है। अरे बाप रे, ये मैजिक है क्या? फोटो खींचना है? आ जाओ आ जाओ। और तो कोई नहीं है ना?
जॉइंट जॉइंट। जरा देखो तो इनको ऐसे डांस कर रहे हैं। ए लंबू, उस बीच वाली लड़की को उठा लें क्या? कौन सी? वो जो चेक वाला फ्रॉक पहनी है वो? अरे पागल, सबने चेक ही पहना हुआ है, ये उनका यूनिफॉर्म है। हम लोग क्या करने वाले हैं? अभी तू देख मैं क्या करने वाला हूँ। कहाँ दिखा? दिखाता हूँ। लड़की उधर है तो इधर क्या देख रहे हो? मैं क्या करने जा रहा हूँ तुझको पता नहीं है, जरा रुक जा, दिखाता हूँ मैं। झिनझिनता झिनझिनता झिनझिनता। हेलो हेलो, व्हाट्स योर नेम? नेम 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 क्या है? गूंगी है क्या? बहरी भी है, ये क्या करने जा रही है? स्कूल टीचर बोल रही हूँ। जी कहिए। वो आपसे कुछ कहना चाहती है। डैडी, मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ। प्लीज घर आ जाइए डैडी, हम लोग अब कभी झगड़ा नहीं करेंगे। आपसे चॉकलेट, आइसक्रीम, बिस्किट, ड्रेस कुछ भी नहीं मांगूंगी। प्लीज घर आ जाइए डैडी, हम सब मिलकर एक साथ खेलेंगे। जब हम घर आएंगे आप वहां रहेंगे ना? मुझे रोना आ रहा है डैडी। सॉरी सर, अब मुझे और नहीं कहा जाएगा। ये लंबू इस तरह क्यों खड़ा हुआ है? कुछ गड़बड़ है क्या? ए लंबू, क्या हो गया रे? कुछ बताएगा भी आखिर बात क्या है? लंबू, ये तो एक साथ हम दोनों को निगल लेगा रे, आवाज बिल्कुल मत करना वरना यहीं पर हमारी समाधि बन जाएगी। ये तो बहुत खतरनाक है, पूरा का पूरा निगल जाता है, कहाँ फंस गए हम? मैं आऊंगा ऐसा सोचा नहीं था, उसी को कहते हैं कादिर, क्योंकि अच्छे लोगों के सामने मैं दिखता नहीं हूँ, लेकिन तुम जैसे बुरे लोगों के लिए कादिर एक लेजर है। ए, मैं यहाँ बोले जा रहा हूँ और तुमको डर नहीं लगता? तुम क्या यहाँ पर 2020 मैच देख रहे हो? इतनी देर से तुम लोगों ने मुझे कुछ बताया नहीं, वरना मैं पहले ही भाग गया होता ना, कम से कम अपनी जान तो बचा लेता। अब पता नहीं क्या होगा। बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, मैं जब तक हूँ तब तक कुछ नहीं होगा, कोई भी हिलना मत, वैसे ही खड़े रहो, अगर हिले तो कुछ भी हो सकता है।
अरे बाप रे, ये कितना बड़ा है। सभी लोगों के लिए एक जरूरी सूचना है, सारे लोग जू से बाहर निकलने की कोशिश करें। सभी लोगों के लिए एक जरूरी सूचना, जू से बाहर निकलने की कोशिश कीजिए। चलो 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 भागो, चलो जल्दी करो भागो, चलो जल्दी जल्दी इस तरफ से, जल्दी करो और तेज, चलो 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 भागो। सर, हम लोगों के यहाँ पहुँचने से पहले ही मीडिया वाले यहाँ पर पहुँच चुके थे सर। हमने बहुत कोशिश की पर क्राउड कंट्रोल नहीं हो पाया सर। प्लीज 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 जाने दें प्लीज सर, हमने किसी को भी अलाउ नहीं किया है। अभी अंदर जू के इंचार्ज के अलावा बच्चों के स्कूल टीचर भी अंदर हैं सर।
सर, सर आपको और आपकी बीवी का डिवोर्स होने वाला है, क्या ये बात सही है? लगता है मेरे घर के बारे में आप मीडिया वाले ज्यादा जानते हैं। वैसी बात नहीं है। मुझे मेरी बच्ची से मिलना रास्ता दीजिए। सर 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 एक क्वेश्चन प्लीज। बोलिए। सर आप एक जेंटलमैन हैं, चार बच्चियां आपकी जान हैं, ऐसे में आप लोग डिवोर्स क्यों ले रहे हैं? मैं क्या बोलूं? आप मैरिड हैं? यस सर। पास होकर भी जब आपके पास किसी चीज की कोई कमी ना हो, दिल खोलकर बात करने के लिए उसके पास उसका पति ना हो तो वो डिवोर्स ही चाहेगी ना। बट एनीवेज अभी भी मुझे डिवोर्स के लिए कोर्ट में जाना था और इस वक्त मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। वैसी बात नहीं है सर, बच्चियां अंदर फंसी हैं, उसके बारे में आप आपको जितनी जानकारी चाहिए थी वो आपको मिल गई, आप मुझे जाने दीजिए। सर 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 वन क्वेश्चन सर। सर फिक्र मत कीजिए मैडम, आपकी बच्चियां आपको मिल जाएंगी। क्या कह रहे हैं लोग? मुझे कुछ नहीं पता राजा, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, जिससे भी पूछो कहते हैं ढूंढ रहे हैं, कोई कुछ जवाब ही नहीं देता। चिंता मत करो, मेरे साथ चलो। जी सर, आई एम राजा, अंदर जो बच्चियां फंसी हुई हैं, मैं उनका पिता हूं। हम जो कह रहे हैं वो हमारी बात अंदर सुन नहीं पा रहे, वो लोग भी हमारे साथ कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, बट वी स्टिल डूइंग आवर बेस्ट। क्या हम अंदर जा सकते हैं? हमें बहुत चिंता हो रही है सर। आई एम सॉरी कि बच्चे अंदर हैं, हमें बहुत फिक्र हो रही है। वी टोटली अंडरस्टैंड सर। बच्चों का इतनी दूर तक आने का तो कोई चांस ही नहीं है, अब हम आए हैं तो देख ही लेते हैं। काम करते हैं और आप बच्चियों को ढूंढ लेंगे ये सोचकर मैं आपके साथ आई थी। वैसे मेरे पास पेपर स्प्रे है। पेपर चिकन? ये तो अपनी पार्टी की है। मैडम ये देखिए, ये वॉच टावर है। ये वॉच टावर है? वॉच टावर मतलब वॉच टावर के जैसा। अगर इसके ऊपर चढ़कर हम देखेंगे तो पूरा जू दिखाई देगा, फिर तो बच्चों को इजीली ढूंढ सकते हैं। लेकिन आप तो मुंह में जो आए वो बक रही हो। हाथी की सुंड होती है कि नहीं है, लेकिन इंसान में विश्वास रहना बहुत जरूरी है। जाओ। ठीक है, आप लेडीज हो, ऊपर आओगे तो चक्कर आएगा, इसलिए आप यहीं पर रुकिए, मैं सर करके ऊपर जाता हूँ और सर करके नीचे आता हूँ। ओके। ताली बजाइए नहीं तो दर्द होगा। तुम तो सर करके ऊपर चढ़े और फर करके नीचे आ गए। हाँ, वो तो मैं जो बोलता हूँ वो करके दिखाता हूँ, ये मेरा स्टाइल है। ओहो। ये तुम्हारी जेब से गिरा, ये क्या है, बबल गम? क्या मैडम, कौन से गांव में ऐसे लकीर लकीर वाला बबल गम बेचते हैं? अरे ये नींद की गोली है। ओ, नींद की गोलियां हैं क्या? आपको नींद की गोली नहीं पता? एक आदमी नींद की इतनी गोलियां रखता है, क्यों ऐसा नहीं पूछोगी? और इसके पीछे रीजन क्या है? प्यार में किसी ने धोखा दिया है? आपको मजाक लग रहा है, लेकिन एक बात है, आज शाम को 3 बजे मेरी लवर के गले में जब मंगलसूत्र बंधेगा तब मेरी जान निकल जाएगी। यही सोचकर वो हर एक शादी के दिन आने पर वो रो रो कर तड़पेगी, नहीं तो मेरा ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। और वैसे भी तुम्हारे जैसे इंसान से शादी ना करके ही वो खुश रहेगी, जब देखो बेकार की बातें करते रहते हो। अब चलो। बेचारा सांप, सब लोग उसे ढूंढ रहे हैं और इसे छोड़ दिया। अब क्या प्रॉब्लम हो गई? उन बच्चियों की माँ ने टाइम पर उन्हें दवाई देने के लिए कहा था, उसी का रिमाइंडर लगाया था मैंने, और वो दवाइयाँ भी मेरे पास ही हैं। कौन सी दवा है, और अगर नहीं दी तो क्या होगा? क्या होगा यही तो नहीं पता, लेकिन उनकी माँ ने कहा था कि दवाई देना बहुत जरूरी है,
हे भगवान, ठहरो ठहरो, कुछ करते हैं। अरे क्या है ये तो? हेलो, क्या है? हर 10 मिनट में फोन कर रहे हो। बच्चा कहाँ है? बच्चा कहाँ? लगातार बोले जा रहे हो, बच्चा आ जाएगा ना? अरे एक मोर का बच्चा ही तो मांग रहा हूँ, इसके लिए तो इतना बिल्डअप दे रहा है। रात में बच्चा मांगते तो बात अलग थी, लेकिन तुम तो उसे दिन में मांग रहे हो, ये कैसे होगा? शाम तक पहुँचा दूंगा ना बच्चा, बोला तो। अरे मैं क्या तेरे को बैंक लूटने के लिए बोल रहा हूँ? एक मोर का बच्चा ही तो मांग रहा हूँ। अब मैं ही 4 मोर पंख लगा के वहाँ आ जाता हूँ, और तो क्या है। आज 3 बजे तक मोर का बच्चा मिलना ही चाहिए। तू कहाँ जाएगा, क्या करेगा, मुझे नहीं पता। रखो यार, मोर का बच्चा देने से पहले लगता है ये लोग ही बच्चा दे देंगे। छी, ए मीनाक्षी, 3 बज गया, हम तुम्हारा यहाँ कब से वेट कर रहे हैं। मुझे भी पता है कि 3 बज गए हैं, मैं इस वक्त आने की हालत में बिल्कुल नहीं हूँ। ए कैसे बात कर रही हो तुम? अगर तुम मुझे पाना चाहते हो तो मेरे पापा के पास जाकर उन्हें सारी बातें बता दो, और फोन रखो। क्या हो गया इसे, अपने पापा से बात करने के लिए मुझसे बोल रही है? क्यों जी, 3 बज गए क्या? इस टाइम पर तो मेरी लवर के गले में मंगलसूत्र बांध दिया होगा, इसलिए बोले हुए वक्त में मैं खुदकुशी नहीं कर पा रहा हूँ। चलो बच्चों को ढूंढते हैं। चलिए। नींद की गोली जेब में रख के घूम रहा हूँ, मुझे डर लग रहा है। ए, तुम तो इंसान हो, अपने कान बंद करो। अबे कमीज क्या होना, भूत की जान, चुड़ैल के देवा, भूत की अपनी बनी। अरे ये क्या बोल रहा है? अरे ये जो भी बोल रहा है, आधा बोल रहा है, इसके पूरा बोलने से पहले चलो। अरे ऐसे मुझे डरा क्यों रहे हो? हम गलती से इस तरफ आ गए हैं, हम रास्ता भटक गए थे और डर के मारे हम पेड़ पर चढ़ गए थे। कौन? तुम? सच कह रहा हूँ। सच सच बोलो, उन 4 बच्चियों को देखा या नहीं? वो ज़ेरॉक्स अभी तक यहीं पर घूम रहा है क्या? हाँ यहीं पे घूम रहा होगा। बच्चे यहाँ पर भी नहीं है तो फिर कहाँ गए होंगे? अरे ईस्ट की तरफ का इलेक्ट्रिक रूम है। ये इलेक्ट्रिक रूम है? इलेक्ट्रिकल रूम जैसा? इलेक्ट्रिकल रूम जैसा नहीं, ये इलेक्ट्रिसिटी रूम ही है। पिछली बार यहाँ दशहरे को पूजा हुई थी, उसके बाद से यहाँ कोई आया ही नहीं। भाई इसमें कौन सा फेंसिंग स्विच है? इसमें कौन सा स्विच है? ओ, कुछ करो ना जल्दी। भाई सारी स्विच को ही ऑफ कर देते हैं ना। अरे क्या बोल रहा है तू, क्यों जल्दबाजी कर रहा, दिमाग खराब हो गया है क्या? वो जो स्विच है वो मछली की टंकी का, उनको अगर ऑक्सीजन नहीं मिले तो वो मर जाएंगी ना। क्या बकवास किए जा रहे हो, मैं बच्चियों के बारे में सोचकर परेशान हो रही हूँ और आप लोग यहाँ चिड़िया और मच्छी की बात कर रहे हो। आप तो कुछ बोल के यहाँ से निकल जाओगी, बाद में इंक्वायरी आएगी तो हमारी ऐसी की तैसी होगी ना। भाई बातें करने का वक्त नहीं है, बाहर पुलिस और प्रेस इंतजार कर रही है, अगर बच्चों को कुछ हो गया तो अपनी हालत खराब हो जाएगी। कादिर ने फैसला किया है ना तो जरूर पूरा करेगा। अरे कादिर तूने भी जो बोला मुझे कुछ समझ नहीं आया, समझा? नहीं जल्दी कुछ करो। चलो चलो। पावर कट हो गई है। Thank you.
वैसे हमें यहाँ क्यों बुला लिया? कहीं ऐसा तो नहीं कि चाय का प्रोग्राम है? ए, इतनी बड़ी बात की टेंशन नहीं हो रही है तुम्हें? टीचर, तूफान देखा होगा, सुनामी देखी होगी और भूकंप भी देखा होगा, शिव की तीसरी आंख भी देखी होगी, लेकिन ये कादिर को टेंशन लेते हुए जिंदगी में ए, कभी देखा? कभी लड़की को चिल्लाते हुए देखा है क्या? तो चुप करो ना, वैसे भी वो बच्चियां। इस रेस्टोरेंट का जनरेटर क्या? वो तो उधर ही होगा। चले गए क्या? तो फिर खाली फोकट सवाल क्यों पूछा? कादिर, कोई कमरा है क्या? हो सकता है सर। सर, मैंने तो पहले ही बोला था ना, ये बहुत ही पुराना है, इसे ऑन करके बहुत महीने हो चुके हैं। काम का नहीं है। कादिर, हाँ सर। अंधेरा होने में और कितना वक्त है? सब जगह तो 6 बजे हो जाता है, लेकिन यहाँ 5:30 बजे हो जाता है सर। चारों तरफ पेड़ है ना। मिस्टर राजा, we have just one hour. सर, इसे ऑन करके क्या करना चाहते हो? अगर ये स्टार्ट हो गया ना तो लाइट चलेगी, उस लाइट को देखकर बच्चे बाहर आ जाएंगे। बस ये स्टार्ट हो जाए, ऐसा प्लान है। प्लान तो सब सही है, लेकिन ऐसा ना हो कि ये सब देखकर सांप बाहर आ गया तो तुम जाकर बीन बजाना। सही ढंग से एक आइडिया भी नहीं दे सकते, और कैसे सवाल करते हो? We'll be right back.
प्लीज। तो सुपर है। मेरी माँ कहती थी कि मैं कुछ करके दिखाऊंगा, कुछ करके दिखाऊंगा। और मैं समझता था कि ये सब जोक है। कल इसी वक्त दो दो गोली करके 60 गोलियां खरीदी थी खुदकुशी करने के लिए। किसी तरह ये प्लान चेंज करके 4 बच्चों की जान बचाने में उसे लगा दिया। मेरी माँ बहुत खुश होगी। मेरा काम तो हो गया। थैंक्स क्यों? हम तो बस जी रहे हैं ऐसा सोच रहा था। क्यों जीना चाहिए ये तुमने बताया। मुझे तो तुम्हें थैंक्स कहना चाहिए।